हेलो व्यूअर्स, फिल्मी सोसाइटी प्रेजेंटिंग एन अमेरिकन क्राइम मूवी द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। इस फिल्म में एक ग्रुप ऑफ थीव्स ने अर्जेंटीना के सबसे बड़े बैंक को हाइस्ट किया और पुलिस को चकमा दिया। वो बैंक से करोड़ों रुपए लूटकर ले गए और किसी को पता भी नहीं चला। क्या ये सच है? क्या इन चोरों का पता चल पाया और इन चोरों ने उस पैसे का क्या किया? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बर्नार्डो एक आर्टिस्ट और जूडो इंस्ट्रक्टर है, लेकिन वो अपनी लाइफ से खुश नहीं था। वो सोचता है कि उसका असली पैशन तो कुछ और ही है। एक रात वो सिगरेट पीते हुए घर जा रहा था। सिगरेट पीने के बाद वो उसे सीवर में फेंक देता है, जो कि बैंक ऑफ रियो के पास है। वो सीवर में जाकर देखता है और उसके दिमाग में एक अजीब आइडिया आता है। अगले दिन वो अपने सिविल इंजीनियर दोस्त सेबेस्टियन से मिलता है और उसे बैंक लूटने का प्लान बताता है। सेबेस्टियन की भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, तो वो इस प्लान में इंटरेस्टेड था, लेकिन उसके लिए कार्स, टूल्स और बहुत सारा पैसा चाहिए। इसीलिए फर्नांडो अपने फंडर दोस्त डेबोजा से मिलता है, लेकिन वो भी पैसे नहीं दे सकता था। वो फर्नांडो को अपने चोर दोस्त मारियो से मिलने को कहता है। फिर सीन मारियो पर शिफ्ट होता है, जो कि रात को एक ऑफिस में सेफ को ब्रेक करके पैसे चुरा रहा था। मारियो एक मास्टर थीफ है, जो कि चोरी करना बहुत आसान समझता है। फर्नांडो उसे एक कैफे में मिलता है और उसे बैंक लूटने का आइडिया बताता है। मारिया पहले थोड़ा बोर होता है, लेकिन फर्नांडो उससे कहता है कि अगर ये हाइस्ट सक्सेसफुल हो गया तो उन्हें फिर कभी भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। फर्नांडो उसे बैंक के पास ले जाता है और मेन होल में एक मेजरिंग टेप डालता है। फिर वो सीवर में जाकर टेप का दूसरा सिरा ढूंढता है। कुछ कैलकुलेशन के बाद फर्नांडो कहता है कि वो करोड़पति बनने से सिर्फ 18 मीटर दूर हैं। फिर सीन फर्नांडो, मारिया और डेबोजा पर शिफ्ट होता है, जो कि हाइस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो प्लान करते हैं कि बैंक में टनल खोदेंगे, लेकिन बैंक के अंदर सभी रूम्स में मोशन सेंसर्स हैं। इस पर फर्नांडो कहता है कि मोशन सेंसर्स सिर्फ टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करते हैं, मूवमेंट को नहीं। इसीलिए उसने एक स्लीपिंग बैग से एक सूट बनाया है, जो उन्हें अपने बॉडी टेम्परेचर को छुपाने में हेल्प करेगा। अब सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो बैंक वॉल्ट कैसे खोलेंगे। इसीलिए अगले दिन वो ग्रुप बैंक को और इन्वेस्टिगेट करने जाता है। फर्नांडो बैंक के पार्किंग लॉट की फोटोज लेता है और अंदर जाके सेबेस्टियन के साथ दिखावा करता है कि वो अकाउंट खुलवाना चाहता है। वो कंसर्ट हॉल की भी फोटोज लेता है, लेकिन जल्दी ही पकड़ा जाता है और सिक्योरिटी वहाँ आ जाती है। फर्नांडो जल्दी से बैंक से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है और बेसमेंट में पूछताछ के लिए ले जाती है। सरप्राइजिंगली ये सब उनके प्लान का हिस्सा था। फर्नांडो मौके का फायदा उठाते हुए बैंक के सेफ डिपॉजिट बॉक्स रूम को क्लोजली ऑब्जर्व करता है। सिक्योरिटी उसके सारे बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग कैमरा चेक करती है, लेकिन उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिलने पर वो उसे जाने देते हैं। बाद में पता चलता है कि फर्नांडो ने कैमरे का मेमोरी कार्ड निकाल लिया था। इसके बाद फर्नांडो और सेबेस्टियन अपनी मेमोरी से बैंक के फ्लोर प्लान ड्रॉ करते हैं। फिर फर्नांडो एक प्लान बनाता है बैंक के छोटे से रूम को ब्रेक करने का। इसके बाद वो साइकिल से टायर के रोटेशन को कैलकुलेट करके मैन होल और बैंक के बीच की डिस्टेंस मेजर करते हैं। अगले दिन फर्नांडो अपनी ज्योमेट्री की नॉलेज से कैलकुलेट करता है कि वो बैंक तक पहुंचने के लिए टनल को किस एंगल पर खोदेंगे। वो ये भी रिवील करते हैं कि वो जो पैसे लूटने वाले हैं वो इंश्योर्ड हैं, तो उनकी वजह से सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को ही लॉस होगा। रात को फर्नांडो और बाकी लोग सीवर में जाकर टनल खोदना शुरू करते हैं। अगले दिन वो एक और आदमी एल्बर्टो को हायर करते हैं, जो कि गेटवे कार का ध्यान रखने वाला है। फर्नांडो और उसके ग्रुप के मेंबर्स 400 लॉकर्स कैसे खोलेंगे अभी तक ये नहीं जानते हैं। वो पहले ब्लो टॉर्च यूज करने का सोचते हैं, लेकिन उससे बॉक्स खुलने में टोटल 7 घंटे का टाइम लगेगा। इसीलिए फर्नांडो सजेस्ट करता है कि दूसरे ब्रांच से बैंक में लॉकर खुलवाएंगे और उसे क्लोजली स्टडी करेंगे। अगले दिन मारियो दूसरे ब्रांच में जाता है और सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खुलवाता है। जब वो उसे खोलता है तो वो लोग को क्लोजली देखता है। इसके बाद मारियो और उसका साथी एक गेटवे वैन चुराते हैं और अल्बर्टो के घर के बाहर वेट करते हैं। थोड़ी
थोड़ी देर बाद पुलिस उनके पास आती है, जिसे देखकर वो पैनिक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो पकड़े गए हैं, लेकिन लकीली अल्बर्टो और उसकी वाइफ वहाँ आ जाती है और ऑफिसर को बताती है कि वो उनके फ्रेंड्स हैं। वो ग्रुप टनल खोदना जारी रखता है, लेकिन एक दिन उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है और ड्रिल टूट जाता है। फर्नांडो एक्सीडेंट को भूल जाता है और नया ड्रिल खरीदने का प्लान करता है, लेकिन इससे मारियो को गुस्सा आता है क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। रात को फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और वो दोनों स्टार्स को देखते हैं। फर्नांडो की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि वो जिन स्टार्स को देख रहे हैं वो अब तक तो खत्म हो गए होंगे, क्योंकि स्टार्स की रोशनी को यहाँ तक पहुँचने में करोड़ों साल लगते हैं। हमें लगता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो गायब हो चुके हैं। ये सुन के फर्नांडो को एक आइडिया आता है और वो तुरंत मारियो के घर जाता है। फर्नांडो उससे कहता है कि उसने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। वो कहता है कि बैंक तभी अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड है जब वो खुला या बंद होता है, लेकिन मेजर्स अलग अलग होते हैं। बैंक में कैश की चोरी और टनल हाइस्ट रोकने के लिए अच्छे सिक्योरिटी मेजरमेंट और प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन उनके पास दोनों को एक साथ रोकने का कोई मेजरमेंट और प्रोटोकॉल्स नहीं है। फर्नांडो प्लान करता है कि वो बैंक में फ्रंट से वर्किंग आवर्स में जाएंगे जब सेफ्टी वॉल्ट खुला होगा। इससे वो अलार्म और मोशन सेंसर से बचेंगे। ये कॉप्स को इम्प्रेशन देगा कि वो छोटे मोटे चोर हैं जो सेफ डिपॉजिट बॉक्स के कैश के पीछे हैं। फर्नांडो सबको ये बिलीव कराना चाहता है कि वो फ्रंट डोर से जाने वाले हैं ताकि कॉप्स टनल एस्केप पर शक ना करे। ये सुन के मारियो बहुत खुश होता है और उसे आइडिया बहुत पसंद आता है। अगला सीन चोरी वाले दिन पर शिफ्ट होता है। वो सभी अपने फिंगरप्रिंट छुपाने के लिए फिंगर्स पर ग्लू लगाते हैं। सेबेस्टियन को सीवर में ड्रॉप किया जाता है और वो अपना काम करने जाता है। फर्नांडो और बाकी लोग मास्क पहनकर बैंक में जाते हैं। थोड़ी देर बाद मारियो और डेबोजा फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं और फर्नांडो और अल्बर्टो ग्राउंड फ्लोर पर कब्जा करते हैं। सेम टाइम पर वो अपने वेपन्स निकालते हैं और सबको जमीन पे लेटने को कहते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी रूम से ये सब देखता है और तुरंत पुलिस को अलर्ट करता है। फिर पता चलता है कि फर्नांडो वॉकी टोकी से कम्युनिकेशन सुन रहा था। मारियो कैशियर से पैसा बैग में भरने को कहता है और अल्बर्टो पार्किंग गेट लॉक करने जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस बाहर आ जाती है और ये देखकर फर्नांडो एक सिविलियन को गन पॉइंट पे पकड़ता है। वो कहता है कि अगर पुलिस बैंक में घुसने की कोशिश करेगी तो वो उसे मार देगा। इसके बाद फर्नांडो अंदर वापस जाता है और अपने ग्रुप को बताता है कि फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है। मारियो ये सुनकर एक वुमन को गन पॉइंट पे पकड़ता है और सीसीटीवी रूम में सिक्योरिटी गार्ड को सरेंडर करने को कहता है। गार्ड को मजबूरन ये मानना पड़ता है और मारियो उस पर गन पॉइंट करके मैगजीन और मोबाइल फोन ले लेता है और उसे बाहर छोड़ देता है। नेक्स्ट फेज में ग्रुप बैंक के सारे कैमरास डिसेबल कर देता है। फर्नांडो छोटे से रूम में जाता है और एक कैबिनेट हटाता है। दूसरी तरफ से सेबेस्टियन दीवार तोड़कर टनल से बैंक में आ जाता है। दोनों फिर अपनी कार से कुछ इक्विपमेंट्स लेकर आते हैं और वॉल्ट तक जाते हैं और मशीन असेंबल करना स्टार्ट कर देते हैं। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन ने एक कैनोन पावर मशीन बनाई थी जो लॉक को 7 सेकंड में तोड़ सकती थी। नेक्स्ट फेज में सभी अपने वॉचेस पर टाइम सेट करते हैं और सेबेस्टियन और फर्नांडो लॉकर्स को ब्रेक करना शुरू करते हैं। वहीं पे पुलिस, मीडिया और होस्टेजेस के रिलेटिव्स बैंक के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस कैप्टन सिक्योरिटी गार्ड से बात करता है और अंदर की सिचुएशन पता लगाता है। दूसरी तरफ फर्नांडो और सेबेस्टियन लॉकर्स को ब्रेक करते हुए बहुत सारा कैश, गोल्ड और कीमती ज्वेलरी रिकवर करते हैं। अचानक वो पुलिस के रूफ पर चढ़ने की आवाज सुनते हैं। मारियो को फिर कैप्टन का कॉल गार्ड के फोन पर आता है जो उसने पहले ही ले लिया था। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फर्नांडो ने इस सिनेरियो के लिए भी मारियो को प्रिपेयर किया था। प्रेजेंट में मारियो कैप्टन से बात करता है और उसे सिविलियंस को मारने की धमकी देकर टेरेस से सारे फोर्सेस हटाने को कहता है। कैप्टन मान जाता है, लेकिन सीक्रेटली दो स्नाइपर्स को पास की बिल्डिंग पर भेजता है। वो फिर मारियो से उसकी डिमांड पूछता है। मारियो उससे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात करने को कहता है। कैप्टन उसकी डिमांड पूरी करने के लिए मान जाता है और उससे 1 घंटे का टाइम मांगता है। वहीं दूसरी तरफ फर्नांडो और सेबेस्टियन ने ऑलरेडी बहुत सारे लॉकर्स अनलॉक कर लिए हैं और लॉकर्स से बहुत सारा कैश, गोल्ड और कीमती ज्वेलरी निकाल ली है। पुलिस
बाहर सिचुएशन एनालाइज करती है कि बैंक में जाने के सिर्फ दो तरीके हैं, मेन गेट से और पार्किंग लॉट से, लेकिन उन्हें होस्टेजेस की लोकेशन का पता नहीं होता। वो ये भी कंक्लूजन निकालते हैं कि ये सिर्फ एक रोबरी की कोशिश है। थोड़ी देर बाद कैप्टन मारियो से फिर कॉल पर बात करता है और उसे सरेंडर करने को कहता है। वो कहता है कि अगर तुमने अभी तक किसी को भी हर्ट नहीं किया है तो तुम्हें जेल से इजीली छोड़ दिया जाएगा। कैप्टन उसे लॉयर ढूंढने की भी ऑफर देता है। इसके जवाब में मारियो कहता है कि वो अपने ग्रुप से डिस्कस करेगा। इसके बीच फर्नांडो और सेबेस्टियन और भी लॉकर्स को ब्रेक करते रहते हैं और पुलिस बाहर लाचार होकर वेट करती रहती है। तभी एक ओल्ड लेडी का फोन आता है और पता चलता है कि आज उसका बर्थडे है। मारियो उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है और डेबोजा दूसरे होस्टेज से चॉकलेट लेकर उसे देता है। स्नाइपर्स उन्हें उस बूढ़ी औरत का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं और कैप्टन को इन्फॉर्म करते हैं, जो ये सुनकर सरप्राइज होता है। वहीं पे मारियो उस औरत को बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर फ्री कर देता है। वो फिर विंडो के पास जाकर खड़ा होता है और कैप्टन से कहता है कि उसने 15 साल जेल में गुजारे हैं और वो सिर्फ तभी सरेंडर करेगा जब मिनिस्टर उसे खुद आश्वासन देगा। ये सुनकर कैप्टन स्नाइपर को होल्ड बैक करने को कहता है और मारियो विंडो से दूर हो जाता है। फिर पता चलता है कि वो एक्चुअली टेस्ट कर रहा था कि पुलिस उसे शूट करेगी या नहीं। जल्दी ही मिनिस्टर भी वहां आ जाता है और मारियो से बात करता है। सरप्राइजिंगली मारियो उससे बात करने से मना कर देता है। मारियो फिर अपने लॉयर से बात करने को कहता है, लेकिन जब कैप्टन लॉयर का नंबर पूछता है तो मारियो उसे एक होस्टेज का फोन नंबर देता है और अपनी आवाज बदल कर मिनिस्टर से अपना फेक लॉयर बनकर बात करता है। इस तरह वो काफी देर तक उन्हें अपनी बातों से उलझाता है जिससे उसके फ्रेंड्स को और टाइम मिल सके। नेक्स्ट फेज में मारियो सभी होस्टेजेस को फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाता है, जबकि फर्नांडो और बाकी लोग फाइनली लूटा हुआ माल टनल से ट्रांसपोर्ट करना शुरू करते हैं। मारियो फिर अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देता है जिससे कैप्टन को डाउट होता है कि वो सच में सरेंडर करना चाहता है या नहीं। तभी वो मैन होल नोटिस करता है और समझ जाता है कि लुटेरों ने बैंक से भागने का कोई और रास्ता ढूंढ लिया है। वहीं पे फर्नांडो और बाकी लोग सामान को बोट्स पर लोड करके छोड़ देते हैं और पुलिस के लिए सारे वेपन्स वॉल्ट में रख देते हैं। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो नकली गन्स इस्तेमाल करते हैं जिससे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे और अगर वो पकड़े भी जाएं तो उनकी सजा कम हो सके। आखिर में मारियो होस्टेजेस को फर्स्ट फ्लोर पर छोड़ता है और फर्नांडो के साथ उस छोटे से रूम में जाता है। जैसे ही वो ऐसा करता है तो सारे स्केर्ड होस्टेजेस अपने फोन्स उठाते हैं और बाहर खड़े हुए रिलेटिव्स को कॉल करते हैं। कैप्टन भी सीवर में एक ट्रूप को भेजता है और दूसरा ट्रूप बैंक में फ्रंट से घुस जाता है। फर्नांडो और मारियो जल्दी से टनल के सारे एविडेंस क्लियर कर लेते हैं और बोट में बाकी लोगों के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फर्नांडो ने पुलिस को सीवर के बारे में पता चलने की भी सोची थी, इसीलिए उन्होंने पहले ही पानी के लेवल को बढ़ाने के लिए एक डैम बनाया था जो उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में मोटर बोट पर जाने देगा। वहीं पर कैप्टन छोटे से रूम तक पहुंचता है और वहां टनल ओपनिंग पर एक बॉम्ब देखता है जो एंट्रेंस को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन वो जल्दी ही जान जाता है कि बॉम्ब और वेपन्स नकली हैं। चोरों को पकड़ने में कैप्टन को बहुत देर हो जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी भाग चुके थे। वहीं पर फर्नांडो और उसका ग्रुप अपने गेटवे व्हीकल में टनल से भाग जाते हैं और अपने सारे गियर्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो फिर एल्बर्टो के घर जाते हैं और लूटा हुआ सारा माल बराबर आपस में बांट लेते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं और ये ग्रुप अपनी बेस्ट लाइफ एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन एक दिन एल्बर्टो की वाइफ उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देख लेती है। ये बात उसे इतना गुस्सा दिलाती है कि वो उसे पुलिस को रिपोर्ट करती है, उसे बैंक हाइस्ट में एक थीफ के तौर पर एक्सपोज करती है। इसके नतीजे में एक एक करके सारे चोर अरेस्ट हो जाते हैं। अब हमें 7 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां फर्नांडो जेल से छूटता है और मारियो उसे अपनी लग्जरी कार में वेलकम करता है क्योंकि उन्होंने टॉय वेपन्स यूज किए थे, इसीलिए वो जेल से जल्दी छूट गए थे। फर्नांडो और बाकी लोग अपने लूट का सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन भी रखते हैं क्योंकि बैंक ने सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस में रखे आइटम्स का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा था। बैंक ने एस्टिमेट किया था कि लॉकर्स में $25 मिलियन वर्थ का कैश
और ज्वेलरी स्टोर था, जबकि पुलिस सिर्फ 1.17 मिलियन डॉलर और 8 केजी ज्वेलरी रिकवर कर पाई थी, क्योंकि लॉकर्स में रखे आइटम्स का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था। पुलिस क्रिमिनल्स पर कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं बना पा रही थी। इसका मतलब बाकी का पैसा, गोल्ड और ज्वेलरी अभी भी फर्नांडो और उसके ग्रुप के पास था। साथ ही ये सब अब आजाद हो चुके थे। और इसी के साथ रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।